नमस्कार मेरे किसान भाइयों, हमारे इस चैनल किसान क्लिनिक सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज अपन बात कर लेते हैं जो इफ्को का सागरिका जेड प्लस प्लस टॉनिक है, थोड़ा उसके बारे में। किसान भाइयों, इसका क्या यूज है और इसमें क्या है, कौन कौन से टेक्निकल हैं, इसमें क्या क्या पदार्थ मिले हुए हैं। तो किसान भाइयों, सागरिका जेड प्लस प्लस क्या एक समुद्री खरपतवार है, ये दाने के रूप में आता है। किसान भाइयों, जैसे ये क्या है, जो समुद्र में शैवाल उगता है ना, उसकी लाल रस से इसी बनाया जाता है। किसान भाइयों, इसके अंदर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्व तो इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। जैसे पौधे की वृद्धि के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, उसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बीटेन, मैनिटॉल आदि हार्मोन्स भी इसके अंदर उपलब्ध हैं। और जैसे ही इसका छिड़काव करते हैं तो इन हार्मोन्स की पौधों में कोई कमी नहीं होती, जिससे क्या है, पौधे जल्दी से वृद्धि करते हैं। और इसके अंदर जिंक, बोरोन, कैल्शियम से मतलब भरपूर है ये प्रोडक्ट, शानदार इसकी रिजल्ट हैं। इसका क्या है, इसका छिड़काव जैसे सभी फसलों में 8 से 10 किलोग्राम एकड़ पहली बुआई से 10 दिन के बाद किसान भाइयों, और दूसरी बार 30 दिन के बाद इसका छिड़काव कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट और आता है सागरिका, सागरिका क्या है, जो शैवाल उगते हैं ना उससे बनाया जाता है। इसका छिड़काव कब करें किसान भाइयों, इसका छिड़काव करना चाहिए अपन सुबह के समय, जब ओस की बूंदें ना हो। पहला छिड़काव पौधे की रोपाई कल्ले निकलते समय, दूसरा छिड़काव फूल आने से पहले, और तीसरा छिड़काव फूल आने के बाद। उपयोग की मात्रा 250 ml ले लीजिए, ये क्या है, अब कभी कभी ये मिली 500 ml की एक बोतल भी आती है, तो 250 ml की बोतल ले लीजिए और एक एकड़ में इसका छिड़काव करा दीजिए। तो ये थी अपनी सागरिका जेड प्लस प्लस, इफ्को का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। किसान भाइयों, धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो करिएगा ही।